दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एक बीएसएनएल सिम का इस्तेमाल करते हैं और आपके बीएसएनएल सिम के अंदर ई नेटवर्क आ रहे हैं और इंटरनेट भी बहुत स्लो चलता है, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएसएनएल सिम की तीन सेटिंग बताऊंगा। यदि आप इन तीन सेटिंग को एक बार अपने बीएसएनएल सिम के अंदर अप्लाई कर लेंगे तो आप अपने बीएसएनएल सिम की नेटवर्क की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं और दोस्तों, बीएसएनएल सिम में 4G इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बीएसएनएल सिम की पहले नंबर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा और दोस्तों, तीसरे नंबर की सेटिंग बहुत ही वीआईपी होने वाली है, उस सेटिंग को देखकर जरूर जाना। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल फोन की जो सेटिंग है ना, उसको सबसे पहले आपको रिसेट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऊपर की साइड सर्च का एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ पर लिखना है रिसेट। ठीक है, रिसेट लिखने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रिसेट ऑल सेटिंग्स। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपका दोस्तों सिम वन में बीएसएनएल सिम है या सिम टू में है, आपको अपने बीएसएनएल सिम की जो नेटवर्क सेटिंग है ना, उसको सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से रिसेट करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपका पिन लॉक है वो डाल देना है और यहाँ से अपने बीएसएनएल सिम की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट कर लेना है। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होगा ना, आपके बीएसएनएल सिम के अंदर जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है वो दोस्तों सोल्व हो जाएगी पहले नंबर की ट्रिक की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये आपको पहले नंबर की ट्रिक जरूर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा बीएसएनएल सिम की सेकेंड नंबर की ट्रिक और दोस्तों तीसरे नंबर की ट्रिक जरूर देखकर जाना। उस ट्रिक की मदद से आप अपने बीएसएनएल के सिम में हाई स्पीड 4G इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना तीसरे नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दूसरे नंबर की ट्रिक के बारे में। आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है। फिर से यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा सिस्टम का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इसी के अंदर यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या काम करना है, डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसी के अंदर आपको दूसरे नंबर की सेटिंग करनी है। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी, वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। ठीक है, इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लेना है। अब ये दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पर बंद मिलेगी। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यदि दोस्तों जैसे आपके बीएसएनएल सिम के अंदर कभी ई नेटवर्क आ रहे हैं, कभी दोस्तों 4G नेटवर्क आ रहे हैं, तो वो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी सेकेंड नंबर की ट्रिक की मदद से। दोस्तों आपके नेटवर्क कभी भी नहीं भागेंगे, सिर्फ 4G ही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको सेकेंड नंबर की ट्रिक अप्लाई करनी है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा तीसरे नंबर की ट्रिक। आपको दोस्तों क्या काम करना है, यहाँ पर आना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो भी बीएसएनएल का सिम है उस पर टिक करना है। उस पर टिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्सेस पॉइंट नेम। ठीक है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बीएसएनएल का एक न्यू एपीएन बताऊंगा। इस एपीएन की मदद से हाई फाई स्पीड में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो जरूर आपको बीएसएनएल सिम के अंदर इस न्यू एपीएन को एक बार क्रिएट जरूर करना है। ठीक है, सिर्फ एक बार क्रिएट करना है, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से कर देना है रिसेट। ठीक है, इतना काम कर लेना है। अब दोस्तों ऊपर की साइड यहाँ पर प्लस का एक आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेम का एक ऑप्शन है। ठीक है, आपको नेम पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है नियोन। ठीक है, नियोन रॉयल 5G। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर 5G लिखेंगे ना तो दोस्तों ये ट्रिक काम करेगी और दोस्तों हाई फाई स्पीड में इंटरनेट चलेगा, न्योन रॉयल 5G। ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है एपीएन में, एपीएन में लिख देना है आपको यहाँ पर बीएसएनएल हाई स्पीड। ठीक है, बीएसएनएल हाई स्पीड, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर सर्वर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है www.google.com। ठीक है दोस्तों, जो पहला अक्षर है ना वो आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तभी ये ट्रिक काम करेगी, www.google.com। ठीक है, अब दोस्तों आपको नीचे आना है, ऑथेंटिकेशन टाइप PAP और CHAP। ठीक है,
और दोस्तों APN प्रोटोकॉल IPv4 IPv6, APN रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4 IPv6। अब यहाँ पर नीचे आना है बैरियर पर। अब दोस्तों ये आपका यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको करना क्या है इसको यहाँ से हटा लेना है और आपके इस न्यू APN में जितने भी यहाँ पर दोस्तों ये दिखेंगे ना, इन पर आपको सभी पर टिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है, तो इंटरनेट और भी तेज चलेगा। ओके करना है और यहाँ पर 3N पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको आपको न्यू APN पर यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद दोस्तों अब आपको बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल फोन को एक बार आपको स्विच ऑफ करना है, ठीक है। इस तरीके से बैक आना है, बैक आने के बाद अपने मोबाइल फोन को एक बार स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों आप स्विच ऑफ ऑन करने के बाद ऑन करना, दोस्तों आपके BSNL सिम में हाई स्पीड इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। दोस्तों चलिए, आपका दिन शुभ हो।